हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का जो मिसलेनियस है ना, उसमें कुछ कुछ बचा हुआ है। कुछ कुछ क्या बचा हुआ है, दो तीन अवार्ड्स बचे हुए हैं और उसके अलावा ओलंपिक स्पोर्ट्स इंडिया में क्या है वो बचे हुए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक आने वाला है तो ओलंपिक से पूछने वाले क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाला एग्जाम ओलंपिक के बाद में ही होगा। ओलंपिक के बाद तो ओलंपिक का बेसिक एटलीस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ओलंपिक हो तो हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। जैसे इंडिया के कौन कौन जा रहे हैं ये पता होना चाहिए, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, कौन यही क्यों जाते हैं, ये सब बात हमें पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कलिंगा पीस प्राइज के बारे में। कलिंगा पीस प्राइज के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनेस्को प्रोवाइड करती है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लियर? देखो, कलिंगा पीस प्राइज आपको समझना है ना, बेसिक दो तीन चीज समझिए, सिंपल समझिए। किस लिए दिया जाता है? साइंस के फील्ड में दिया जाता है। साइंस के फील्ड में क्या जो सिर्फ साइंटिस्ट को दिया जाता है? नहीं भाई, आपको भी दिया जा सकता है अगर आप अपने पूरे कैरियर में कुछ ऐसा काम करते हो जिसके कारण आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में आम आदमी को समझा देते हो। ध्यान देना, आप क्या करते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जरूर नहीं, जैसे मान लो एग्जाम्पल आप जर्नलिज्म कर रहे हो, लेकिन जो आपका फील्ड है साइंस वाला फील्ड है, और आप साइंस को क्या करते हो, आम आदमी को समझा देते हो, जो लेमन लैंग्वेज में लोगों को समझा देते हो, तो आपको भी कलिंग पीस प्राइज मिल सकता है। समझ में आना है क्या मैंने बोला, कि कलिंग पीस प्राइज उनको मिलता है जो साइंटिफिक या साइंस के आइडिया को आम आदमी यानी लेमन लैंग्वेज में इतना आसानी से समझाता है कि इवन जिन जिनको कुछ नहीं आता वो भी साइंस समझ जाता है। यानी साइंस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज, साइंस को और ज़्यादा उठा, जो बंदा उठाने का काम करता है उसको कलिंगा पीस प्राइज मिल जाता है। अब इसकी शुरुआत कौन करता है? एक बंदा था बीजू पटनायक, ठीक है, उड़ीसा के बहुत 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 महान हस्ती में से एक, ठीक है। ये इनको चैंपियन बोला जाता साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये जानते थे कि साइंटिफिक आइडिया के, ये जानते थे कि साइंटिफिक आइडिया से समाज में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। तो इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट, ठीक है ना, ताकि ये ट्रस्ट क्या करेंगे, साइंस के नॉलेज को लोगों तक पहुँचाएगी। ध्यान देना, साइंस पढ़े लिखे तक पहुँचाना तो आम बात है, लेकिन साइंस को आप ऐसे बताओ कि बहुत जो ऐसे इंसान जिसको कुछ नहीं आता है वो समझ ले, तब तो बड़ी बात है। तो हम उसको अवार्ड देंगे ना जो आसान भाषा में लोगों तक पहुंचा देता है। तो देखो, तो इन्होंने क्या किया, एक कलिंगा प्राइज बनाया, कहाँ पे, यूनेस्को में बनाया, और उसको प्राइज मिलता है जो साइंस को पॉपुलर करता है कॉमन मैन के तरफ पे। तो ये अवार्ड दिया किसको जाता है, यूनेस्को, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आता है, कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से आता है। ये पैसा कहाँ से आता है, बीजू पटनायक, क्योंकि इनका तो अभी डेथ हो गया ना, इतना क्लियर है ना। बीजू पटनायक जी का डेथ हो गया था 1997 में। आपको पता होगा जो नवीन पटनायक जी है, जो अभी के उड़ीसा के करेंट सीएम है, उनके फादर थे, ठीक है ना, उनके फादर थे, याद हमें रखना चाहिए। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं दिया जाता है, जर्नलिस्ट को भी दिया जाता है, टीवी डायरेक्टर वगैरह को भी दिया जा सकता है, जो भी कोई इस फील्ड में काम करता है उन सबको दिया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नाम किसके जगह पे आता है, कलिंग के नाम पे आता है। कलिंग हम सबको पता है कहाँ से, कलिंग वॉर के बारे में पता होगा ना, उड़ीसा में एक एम्पायर था कलिंग, जिसको अशोका ने हराया था 261 BC में, ये बात आपको पता होगा। कलिंगा में एक डायनेस्टी थी, चेदी डायनेस्टी, उसके के एक राजा थे जिनका नाम था खारावेला बोलते हैं। इनके इंस्क्रिप्शन जो मिलते हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उनसे बहुत कुछ पता चलता है। तो अगर सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पता चले उड़ीसा में तो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि अवार्ड देता कौन है, मतलब ये तो, और सबसे पहले सिलेक्ट कौन करता है, सिलेक्ट करने का इंसान होना चाहिए ना, सिलेक्ट कौन करता है? देखो, सिलेक्ट करती है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, ध्यान देना, अभी यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है ये ऑड्रे अजोलो, ये सिलेक्ट करती है, लेकिन ये अपने मन से सिलेक्ट नहीं करती है। इनके सामने चार जूरी मेंबर होता है, चार जूरी मेंबर में से तीन तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आते हैं ताकि इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और एक
को, फोर्थ बंदे को रिकमेंड करती है कौन, कौन करता है? कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो तीन बंदा अलग अलग कॉन्टिनेंट से, एक बंदा आएगा, एक बंदा जो रिकमेंड करेंगे कौन, कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो चार लोग आए, चार लोग नाम सजेस्ट करेंगे और उसको फिर ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं? बीजू पटनायक जी के बारे में हमें पता ही है, ये दो बार सीएम बने थे, एक 60s में और एक 90s में, 1995 तक सीएम रहे थे, उनके बाद 97 में उनका डेथ हो गया था। ये लीजेंडरी हीरोइन के बारे में बोला जाता है, ये बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हमें वो तो डिस्कस कर ली, अब हमें दो चीज़ डिस्कस करना है, थोड़ा यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और पिछली बार किनको मिला ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर कई जगह देखोगे ना, इवन आपके लुसेंट बुक में भी दिया है कि 2012 में भी मिला हुआ है, 2014 में मिला, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप कलिंगा पोर्ट ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट या यूनेस्को का वेबसाइट ओपन करोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहीं दिखाएगा 2019 में कार्ल इनको मिला, कार्ल को मिला है, क्रूज जेन सिकी, ये देख लेना थोड़ा। उसके बाद एरिक को मिला है 17 में, 15 में डीओ को मिला है, और जियांगी ली को चाइना में मिला है, ठीक है ना, और 2011 में इंडियन को मिला था, जो 2009 में यशपाल जी को मिला था, क्योंकि साइंस कम्युनिकेशन में इनका बहुत सारा रोल था, ऑलमोस्ट 3 decades साइंस कम्युनिकेशन में किया थे, ठीक है। ये बस इतना ध्यान रख सकते हैं, इंडियन को मिला ये बात, प्रोफेसर यशपाल जी को, ठीक है ना। 2012, 14 इंच में नहीं, देखो अगर बुक में देखो तो देखा था इंडियन, लेकिन जब मैंने वेबसाइट ओपन किया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे यूनेस्को कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साफ लिस्ट ऑफ लेवर किन किन को मिला है वो दिखाता है। तो 19, 17, 15, 14 में नहीं मिला है, 11, उसके बाद 9 में इंडिया को मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। थोड़ा हम यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे यूनेस्को सबसे पहले, यूनेस्को एक बहुत अच्छा चीज पहले बोलता है, इवन यूनेस्को के वेबसाइट के फ्रंट लाइन में यही लिखा है कि जब फ्रंट लाइन में एक्चुअली लिखा है कि पीस को मेंटेन करने की बात करते हैं, तो सिंपल समझो कि अगर वॉर स्टार्ट हो सकता है इंसान के दिमाग से, चाहे मैन हो या वुमेन, उससे वॉर, तो पीस को क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता, और ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, जब वॉर आप स्टार्ट कर सकते हो तो पीस भी तो स्टार्ट कर सकते हो। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसका, यूनाइटेड नेशन का, पीस को बिल्ड करने का कोशिश करती है, ये याद रखना है। ये मेन एक किसका मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके। इम्पॉर्टेंट क्या है, पेरिस इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके अलावा 193 मेंबर है, 11 एसोसिएट मेंबर है, और गवर्नर जनरल के द्वारा क्या चलाया जाता है। कुछ मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है, फिर भी यूनेस्को के मेंबर है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, क्या यूएन यूनेस्को के मेंबर होने के लिए यूएन का मेंबर होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, जैसे कुक आइलैंड, न्यू पैलेस्टाइन, ये सब यूएन का मेंबर नहीं है, फिर भी क्या है, यूनेस्को का मेंबर है। इजराइल, यूएस और ये लीचेस्टाइन, ये जो देश है ये यूएन का मेंबर है लेकिन यूनेस्को का मेंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल का कलिंगा यहाँ पे साम्राज्य, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, इतना ही है इसमें डिस्कस करना है। और देखो, लुसेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज अगर आपको करना है, या राकेश यादव सर की बुक जो चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज अगर करना है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का अगर एक बुक लेना चाहते हो तो 500 पर बुक पड़ेगा, लेकिन दोनों को करना चाहते हो ज्वाइन तो 700 पड़ेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इवन हमारा स्टैटिक बुक है, इसमें 100+ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें भी कुछ वीडियो अपलोडेड है, इसमें और अपलोड होना बाकी है, जल्दी जल्दी, क्लियर। 100 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 200 और बाकी है, क्लियर, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो परमोटेशन कम्युनिकेशन, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।